नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। UPPCS RO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है लगातार, जो PCS की परीक्षा होती है, खासतौर से UPPCS की परीक्षा जो प्रीलिम्स 2021 होने जा रहा है, या अगर आप RO दे रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, अन्य परीक्षाओं के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंस रख सकता है। चलिए, टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट। इस शब्द आप लोगों ने सुना होगा। अब इससे काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं लगातार, जैव विविधता हॉटस्पॉट। क्या है ये? डेफिनेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ सर्टन क्राइटेरियाज को अगर कोई एरिया पूरा करता है तो उस क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब वो क्राइटेरिया क्या है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। जैव विविधता मतलब किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो ना वहाँ पर उपस्थित या वहाँ पर रहने वाले जो भी जीव जंतु या प्राणी और जो वेजिटेशन या वनस्पति है, उन सभी में जो विभिन्नताएँ हैं उनको वहाँ की जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। किसी जगह की जैव विविधता कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है। जहाँ पे जीव जंतुओं में वैरायटीज कम हो, जहाँ पे वेजिटेशन में वनस्पति में वैरायटी कम हो, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कम होगी। जहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा हो वहाँ वैरायटी ज़्यादा होगी, वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अब इनके बीच में एक वर्ड जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि 1988 में एक प्रकार से क्रिएट किया गया था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, पर्यावरणविद बोलेंगे, नॉर्मन मायर्स है ना, इनके द्वारा ये वर्ड कॉइन किया गया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इसने एक नई डेफिनेशन के साथ, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। पहली बात, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे जो जीव जंतु या वनस्पति की बहुत ज़्यादा स्पीसीज ज़्यादा हों, मतलब जातीयता अधिक हो, दूसरी बात वहां पे कम से कम 1500 से अधिक टाइप के ये वैरायटी होनी चाहिए वस्कुलर प्लांट्स, ठीक, जिनको संवहनीय पौधे भी बोला जाता है। तो ये होगी वैरायटी की बात, लेकिन साथ साथ ऐसी बहुत सी जगहें हैं बायोडाइवर्सिटी, आप तो कहेंगे हर क्षेत्र को हॉटस्पॉट होना चाहिए, लेकिन हर क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होता है। इसके में तीसरा पॉइंट एक और लगाया गया है, MCQ में क्वेश्चन बन जाएगा कि इसके अलावा जो अधिकता के साथ साथ वहाँ पर यह भी खतरा हो कि वहाँ की 70% जो बायोडाइवर्सिटी है वो विनाश के गगार पर हो, मतलब नष्ट हो रही है, मतलब वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी तेज़ी से नष्ट हो रही है, उसको कंजर्व करने की नीड है, तो उस एरिए को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है। दोनों मतलब पूरी एक्टिविटी हो रही है, दोनों तरह से पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक, मतलब जहाँ बायोडाइवर्सिटी तो एक्सट्रीम पे है ही, इसके साथ साथ वहाँ पे उस जो स्पीसीज है उनको नुकसान भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, और मतलब उनको कंजर्व नहीं किया गया तो वो नष्ट हो जाएंगी, ठीक, तो उन जगहों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है। तो ये तीन क्राइटेरियाज हो गए पूरे। अब इसके बाद दुनिया भर में अगर देखा जाए तो कितनी जगहों को, लगभग 36 ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिनको के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है। भारत में भी ऐसे 4 स्थित हैं। पूरी दुनिया में अगर पॉइंट परसेंटेज के हिसाब से माना जाए तो कुल भूमि का करीब 2.3% जो एरिया है वो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत देखने को मिलता है पूरे विश्व का, है ना। बायोडाइवर्सिटी में अगर बात की जाए तो जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है वहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है, बाकी जगहों पे अगर हम ईस्टर्न यूरोप को देखें तो वहाँ जैव विविधता को काफ़ी कम मिलेगी। इसके साथ अगर हम इसको थोड़ा मिटा लूँ, अगर हम पृथ्वी के ऊपर देखें तो जैसे मैंने कई बार बताया है, मैंने अभी क्लास ली थी उसमें भी थोड़ा सा टॉपिक, क्योंकि नेटवर्क की वजह से हम दोबारा क्लास करनी पड़ रही है हमको, वो एरिया जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो हिस्सा है, यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक होती है। और जितना हम इक्वेटर के पास आते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, खासतौर से ब्राज़ील में अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी हमेशा सर्वाधिक पाई जाती है। अभी ब्राज़ील और कोलंबिया ऊपर नीचे होते हैं, इंडिया 8वें स्थान पर है जैव विविधता के क्षेत्र में। करीब 100 करोड़ से अधिक प्रजातियाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे हम लोगों को पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है जिसमें हम इस सिग्निफिकेंट वीडियो में यही कवर कर रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं भाई, कितने हैं? 4 हैं, है ना। उन चारों के नाम, हिमालयन, पहला पश्चिमी घाट लगाते हैं, पश्चिमी घाट प्लस श्रीलंका का क्षेत्र। पश्चिमी घाट किसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ से ताप्ती नदी से लेकर और मालाबार तट, पूरा ये वेस्टर्न घाट कहलाता है और ये बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और जो वेस्टर्न घाट का पूरा एरिया है, इसमें 70% एरिया भारत में टिकता है, बाकी इस हॉटस्पॉट का, क्योंकि कुछ हिस्सा इसमें श्रीलंका में भी जाता है, तो इसको कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। श्रीलंका तक भी जाता है, तो पेपर अगर कभी आए तो श्रीलंका का भी बहुत सारा हिस्सा करीब इस हॉटस्पॉट में का 30% हिस्सा श्रीलंका में पड़ता है, 70% भारत के पश्चिमी घाट में पड़ता है, ठीक। उसके बाद दूसरा हिस्सा अगर देखा जाए तो इंडो म्यांमार प्लेट, इंडो म्यांमार रीजन, ये वो क्षेत्र है पूरा, ये वो पूरा रीजन है, है ना, जो कि दूसरा प्रमुख क्षेत्र है ये हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तीसरा रीजन हमारा कौन सा है? हिमालयन रीजन। तीसरा रीजन कौन सा है? हिमालय क्षेत्र। और चौथा सुंडालैंड। सुंडालैंड को सबसे लास्ट में दिया गया था संगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की 2013 में। सुंडालैंड को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कब डिक्लेयर किया गया था? सुंडालैंड 2013, जिसमें कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स कंप्लीट होते हैं, फिर नीचे तक मलेशिया के उत्तरी हिस्से तक ये पूरा एरिया कवर होता है, ठीक है। इन 36 में 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो अत्यंत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में अपना स्थान रखते हैं, तो उसका मैं बता रहा हूँ। ये 8 के नाम आपको याद रखने होंगे, मेडागास्कर, फिलीपींस, सुंडालैंड अपने वाला, कैरेबियन, ब्राज़ील और अटलांटिक रीजन, वेस्टर्न घाट प्लस श्रीलंका, इंडो म्यांमार और तंजानिया कीनिया। इनको वर्ल्ड के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बोला जाता है, हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है। इस पेज से कितने क्वेश्चन बन गए हार्डली 4 से 5 मिनट की वीडियो में, आप लोगों को कितने क्वेश्चन यहाँ से देखने को लगभग मिल जाएंगे। अब हॉटस्पॉट क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं अब, और ये एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आता है IUCN का। इन्हीं से कौन सा क्वेश्चन निकल के आता है? IUCN। तो IUCN की एक रेड लिस्ट बनी हुई है। IUCN क्या है? 1963 में स्थापित एक संस्था है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये संस्था जितने भी स्पीसीज हमारी हैं, जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उन कौन से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कौन से किस कंडीशन में हैं, उनको अलग 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 तरीके से कैटेगराइज करती है। उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो उसकी तुरंत थोड़ी देर बाद ही आपके आ गया है, ताकि छोटी छोटी पैकेट्स में हम लोग करें, ताकि चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।